Welcome to another episode of Farming Engineer, and this is going to be exciting because today we are doing the most awaited video, and which is on perfume and how does it grow. तो सबसे पहले थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग का बहुत सपोर्ट है और आप लोग के बहुत कमेंट्स आए कि हमें परफ्यूम पे वीडियो चाहिए, और इस वजह से हम आज बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज एक और हिंट देता हूँ अगले वीडियो के लिए। इफ़ यू वांट, आप लोग ने किसी ना किसी ने इंडिया में अगर है तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी ना किसी ने होली तो ज़रूर खेली होगी। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड कि हाउ इट्स मेड होली कलर्स और टेकिंग इट टू अनदर लेवल, आई विल आस्क यू कि हाउ डज इट ग्रो होली कलर्स। तो गुलाल या होली कलर्स कैसे ग्रो करता है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और आई एम एक्सपेक्टिंग 2000 लाइक ऑन दिस वीडियोज, सो दैट वी कैन मेक दैट वीडियो वेरी फास्ट। एंड हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। तो परफ्यूम सुनते ही हमारी एक ऐसी सेंसरी एक्टिवेट हो जाती है कि कोई भी स्मेल हम जब भी अगर कभी लेते हैं तो वो एक हमारी मेमोरी के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आप कोई गंदा स्मेल लो या अच्छा स्मेल हो या कोई फ्रेग्रेंस हो, और आप जैसे ही उसको स्मेल करते हैं तो आपके दिमाग में उसके साथ जुड़ी हुई मेमोरी सामने आ जाती है। तो इस वजह से हमारी ज़िंदगी में परफ्यूम का बहुत ही महत्व है। और साथ ही अगर हम रिलीजियस से ढंग से देखें तो भी हमें बहुत से ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, या फिर अब रमज़ान चल रहा है तो वहाँ पे भी बहुत से ऐसे परफ्यूम्स को, इत्र को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द हिस्ट्री ऑफ परफ्यूम, सबसे पहले मिस्र यानी इजिप्ट का जो पार्ट है, अभी तो टुकड़े हो गए बहुत, तो इजिप्ट के आसपास का जो पार्ट है, सबसे पहले वहाँ पर रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स में अबाउट 4000 ईयर्स अगो मेसोपोटामिया नाम की एक जगह है, तो वहाँ पर उसका हिस्ट्री ट्रेस होता है कि वहाँ पे सबसे पहले ये अलग अलग फ्लेवर के ऑयल्स को ब्लेंड करके एक परफ्यूम बनाया गया था। तो तब से लेके आज तक परफ्यूम जो है वो एक लग्जरी आइटम, सेकेंडरी गिफ्ट देने वाली आइटम में कन्वर्ट हो गया। आज भी अगर आप देखोगे महंगे परफ्यूम है या बढ़िया परफ्यूम है, तो हम किसी को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम परफ्यूम हमारी एक प्रायोरिटाइज होती है पहले। तो वहाँ से इसकी हिस्ट्री चली आ रही है। फिर उसके बाद उस तरह से हमारे इंडिया में उसको राजाओं को गिफ्ट किया गया और फिर ट्रेडिंग चली, तो वहाँ से ये सब इन्वेंट हुआ और वो आगे चला। अगर इंडिया की हिस्ट्री में हम आप देखते हैं कि हमारे पुरातन काल में या जो भगवान के दौर बोले जाते हैं महाभारत और वहाँ पर, तो इंडिया में धुएँ के फॉर्म में जो परफ्यूम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। जैसे अगारवुड हो गया, या फिर जो हम इंसेंट स्टिक्स जलाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो हमारे यहाँ पर अगरबत्ती को का हिस्ट्री आपको बहुत पुराना मिलेगा। वो भी एक टाइप ऑफ परफ्यूम है, बट लिक्विड में नहीं है, एक स्मोक फिके फॉर्म में है, बट वो परफ्यूम ही है। परफ्यूम एक्चुअल में क्या है? परफ्यूम ये अलग अलग फ्लेवर्स के ऑयल को एक साथ ब्लेंड करके बनाया गया एक मिक्सचर है। मैं इसको एनालॉजी अपने कुकिंग को देख सकता हूँ कि जैसे हम कुकिंग करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ओवरऑल अगर आप सोचो कि कुकिंग मतलब क्या है, तो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको अलग अलग टाइप से पका के उसको परोसा जाता है और उसका फ्लेवर इनहांस होता है। जैसे हमारे यहाँ व्हीट से चपाती बनती है, कोई उसको बेक करके पिज़्ज़ा या ब्रेड बना देता है, उसको फ्राई करके पूरी बन जाती है। तो व्हीट तो वही है, उससे बन रहा है एक ही चीज़ है, बट अलग अलग फ्लेवर्स वहाँ पर इनहांस होते हैं। तो परफ्यूम में भी वही है, परफ्यूम इज सेम एज कुकिंग, कि अलग अलग प्लांट्स के फ्लेवर्स को ब्लेंड करके एक नया फ्लेवर क्रिएट करना, वही यहाँ पे होता है। तो परफ्यूम बेसिकली ये ऑयल से बनाया जाता है। तो किसी भी जैसे लेवेंडर हो गया, लिली हो गया, रोज़ हो गया, तो अलग अलग जो भी प्लांट्स हैं उसके ऑयल से ये बनाया जा सकता है। तो आज हैं हम यहाँ पर जिरेनियम के फार्म में। जिरेनियम सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो लॉकडाउन में हम हैं और बाहर ज़्यादातर जगह पे नहीं जा सकते जैसे लेवेंडर और लिली के लिए, और दूसरी बात कि जिरेनियम ये हमारे लोकल एरिया में ग्रो होने वाला प्लांट है। ये कहाँ से आया इसके बारे में तो नहीं बता सकते ज़्यादा, बट ये अब इंडिया में बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश हो रहा है, इसके बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं
और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे फार्मर्स के लिए। और दूसरी, तो आज हम जिरेनियम की खेती के बारे में जानेंगे और उसका बेस्ट जो आउटपुट निकालने के लिए हम सीधा डायरेक्टली फार्मर्स जो है ये रोहित मुए जी, इनसे पूछते हैं। और हमारे साथ अभिनंदन मखदूम जी हैं, तो ये हमें आज मार्गदर्शन करेंगे कि इसके बारे में क्या क्या, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। तो नमस्कार हमारे चैनल पे सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने जिरेनियम ही क्यों चूज़ किया अपनी खेती के लिए? इसका कारण है कि इसको जो बाकी फसल जो भी आती है उससे लेबर बहुत ही कम लगता है। okay. इसके ऊपर से कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव करना नहीं पड़ता है। दूसरी को और तीसरी बात बोले तो इसको जो भी डेंसिटी है बाकी के फसलों की वो ज़्यादा मिलती है, ऑयल प्रोडक्शन इसका ज़्यादा मिलता है इसकी इसीलिए से। और इसका जो भी है ऑयल का प्राइस वो बाकी ऑयल से अच्छा है। नमस्कार सर। ये हमारे यहाँ इस क्लाइमेट में ये क्रॉप अच्छे तरह से आता है, तो इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। मतलब आप ओडोमोस हो गया या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए या फिर अरोमा थेरेपी के लिए है, बॉडी के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए है, फेशियल मसाज और ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। प्लस दूसरा और एक ये है कि आपके जैसे जितने भी परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं उसके अंदर ये बेस ऑयल या फिर फ्रेगनेंट ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि इसका जो प्लांट है वो आपको नर्सरी से ख़रीदना पड़ता है, वो प्लांट रोहित मुले साहब के पास है, आपका इनका नंबर नीचे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये दोनों बेस्ट पीपल है इस फील्ड में, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो हम ऊपर से मोटा मोटा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो इसका प्लांट जो है वो नर्सरी में मिलता है, राइट? वो कितने रुपये तक का मिल जाता है? 7 रुपीज़ का एक प्लांट मिलता है। और इसको अगर हम फील्ड में लगाते हैं तो इसको एक तो मैं आप यहाँ पे देख रहा हूँ एक बेड के स्वरूप में इसे लगाया जाता है, राइट? ब्रेड में लगा के इसको ऐसे इनलाइन ड्रिप लगाया हुआ है इन्होंने इरिगेशन के लिए। और दूसरा है ये 4x1.5 फुट में या 1.25 फुट में इसकी लागन की जाती है। ओके। और यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है ये, मतलब मैं खुद यहाँ पे देख के हैरान हूँ कि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई लेबर नहीं काम करना है। आपको अगर कुछ खरपतवार है बस वही निकालते रहना, बाकी और नहीं है। और आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं, राइट? तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है देखने के लिए। फार्मर्स को ऐसे ही क्रॉप्स को अडैप्ट करना चाहिए अपने रेगुलर इसमें, क्योंकि कैश क्रॉप ये रहा जो आपको पैसा कमा दे सकते हैं। मैंने पहले भी इनको हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि आज इंडिया में क्या हो गया कि एक ज़माना था जहाँ पे खाने के लिए कमी हो रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने गेहूँ धान बाजरा ये सब लगाना चालू किया। बट आज वो कंडीशन नहीं है, बराबर ना? आज तो हमारा खाना वो सरप्लस तैयार हो रहा है, शुगर सरप्लस तैयार हो रही है, वो बिक नहीं रही, उसका रेट नहीं मिल रहा, काम तो उतना ही लग रहा है मगर पैसा नहीं आ रहा। तो इस जैसे क्रॉप्स को लगाना चाहिए। तो दूसरी सर मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका हार्वेस्टिंग, अब एक बार तो हमने लगा दिया, ठीक है, उसके बाद हम पानी छोड़ते रहे रेगुलर, स्प्रे इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसकी हार्वेस्टिंग कब आएगी? इसकी हार्वेस्टिंग 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगी। ओके। उसको कैसे कट करते हैं यहाँ से अगर 4 महीने? तो ये पहला जो हार्वेस्ट आ जाएगा वो 3-4 इंच का जो है हर स्टेम का, हाँ, वो छोड़कर कट करना है। ओके ओके। ये देखो इधर से इधर से इधर जैसे से ये अगर है इसे 4 स्टेम छोड़ के, हाँ, हाँ, यहाँ से आप इसे कट कट कर सकते हैं। उसको कैसे, कैंची से कट करेंगे? कैंची से, कैंची से। ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में ये अपने को ये अपना जो पूरा ये कट हो जाएगा, हाँ, तो बाद में इधर से इसको और नया नया ला रहा है, ठीक है ठीक है, नया शूट आ जाएगा। तो एक बार आपने ये 4 महीने में कट करने के बाद इसमें नया शूट आएगा, हाँ, और वो उसको फिर वापस हम कब कट करेंगे? 3 महीने के बाद। 3 महीने में, एक बार 90 या 100 दिन के बीच में वो कटिंग। पहले 1-4 महीने में अपने पौध लगाने से पहले, पौध लगाने से पहले बार कटिंग आएगा 4 महीने में, 4 महीने में। ओके। और उसके बाद 90 से 100 दिन के बीच में, मतलब हर 100 दिन में, हर 100 दिन में उसका कटिंग आएगा। तो ये कब तक चलेगा ये ऐसा? 4 वर्ष तक, 4 साल तक, 3 से 4 साल तक चलेगा। तो बताओ और इससे और हमें क्या चाहिए, राइट? तो 4 साल आपको कुछ करना नहीं है, एक बार प्लांटेशन करना है और हर 3 महीने में आपको इसका कटिंग करते रहना है। तो इसको कटिंग करने के बाद इसको पहले तो कब कटिंग की जाती है, मतलब आपको पता कैसे चलता है कि इसको कटिंग करना है? इसको इसको छोटे छोटे फ्लावर निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं। ओके, 3 महीने के बाद में, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप समझ लेना कि इसमें अभी मैच्योर हो गए हैं ऑयल के लिए, आए कटिंग के लिए आए। तो जैसे ही इसके अंदर फ्लावर आना चालू हो जाते हैं तो ये मैच्योर हो जाता है,
ताकि इसके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए। और अभी भी ये प्लांट हम यहाँ पे बैठे हैं तो एक बहुत ही अच्छी सी सुगंध इसमें से आ रही है। और ये लीफ को आप कभी भी लेके सूंघ के देखिए, बहुत अच्छे से मेडिसिनल जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेगरेंस है उसके अंदर ये। तो ये हमारा हो गया कि हाउ डज इट ग्रो, ये कैसे ग्रो होता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम आपको दिखाएंगे कि इसको कटिंग के बाद इसकी कैसे प्रोसेस की जाती है या ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, आपने हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। और मैं हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी ये बोलूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अगर हो सके तो मैं खुद ये प्लांट करने वाला हूँ। मैं ये देख के इसके बेनिफिट्स देख के मैं तो अच्छा खासा मुझे लग रहा है, प्रॉफिटेबल क्रॉप है और नीड है कि हम ऐसे क्रॉप्स जनरेट करें ताकि इससे कुछ कैश जनरेट हो सके। तो आपको और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद इसकी जो कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद इसे डिस्टिलरी में लिया जाता है। तो डिस्टिलरी का जो प्रोसेस है सेम अपना जैसे अल्कोहल डिस्टिल करते हैं उसी टाइप का एक प्रोसेस है। तो आप ये मेरे सामने देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉयलर है, इस बॉयलर को लकड़ियों के सहारे इसको गर्म किया जाता है और इस बॉयलर के अंदर पानी होता है। तो बॉयलर को गर्म करने के बाद उसकी स्टीम जनरेट होती है और वो स्टीम हम लेके जाते हैं वेसल के अंदर। तो ये एक वेसल है, वेसल में ये जितना भी लीफ हमने यहाँ से कट किया है वो सारा लीफ वहाँ पे उस वेसल के अंदर पहले भर दिया जाता है और फिर उसके बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए उसे कुक किया जाता है, राइट। तो अब ये कुक होने के बाद क्या होता है, कुक होने के बाद इसके वेपर्स जनरेट होते हैं और वो वेपर्स जाते हैं आगे, ये जो हमारा यूनिट है इसे बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम ये होता है कि जितना भी स्टीम जनरेट हुआ है वो स्टीम को कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करे। और एक बात ध्यान में देना कि जितना भी स्टीम जनरेट हुआ है वो स्टीम अपने साथ ऑयल पार्टिकल्स को ऊपर लेके आया है, जो कुक करने के बाद जो लीव्स को हमने कुक किया ना उसके ऑयल जो है वो इसके अंदर स्टीम में आया, स्टीम से कंडेंसर में गया, कंडेंसर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, ऑयल्स वहाँ पे आ गया और उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा ऑयल सेपरेटर। यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे ऑयल जो है हमारा वो लाइट होने की वजह से ऊपर आ जाता है और पानी जो है हमारा नीचे रह जाता है। तो इस तरह से हम वाटर को अलग सेपरेट करते हैं, ऑयल को अलग सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमारा वाटर है उसके अंदर भी कुछ मात्रा में इसका फ्लेवर, फ्रेगरेंस और ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं। तो उसे जो है वो फिनाइल इंडस्ट्री, टॉयलेटरीज में ये सब यूज़ किया जाता है फ्रेगरेंस के लिए। जैसे आप लाइजोल का फिनाइल वगैरह सब देखते हैं ना, तो उसके अंदर वहाँ पे रहता है। और जो प्योर ऑयल हमें यहाँ पे मिला है वो प्योर ऑयल सीधा जाता है आपके एरोमेटिक जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हैं वहाँ पे उसके। तो अब मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा एक बात कि आप 1 एकड़ में कितने प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं? 8,000 से 10,000 प्लांट्स हम लगाते हैं, राइट। तो उससे कितना आउटपुट निकल जाता है 4 महीने या 3 महीने में? चार महीने में इसका 12 से 15 टन तक का एवरेज निकल आता है। ओके, एवरेज पकड़ के तो 4 महीने में इसका 12 टन आउटपुट आता है। एवरेज है, बारह टू पंद्रह टन इसका एक एवरेज आता है। और उसे हम जब स्टीम देते हैं या फिर जब ऑयल निकालते हैं तो कितना ऑयल बाहर आता है वहाँ से? 1 टन को 1 लीटर ऑयल। ओके, 1 टन को 1 लीटर ऑयल निकलता है, 1 लीटर ऑयल वो जनरेट हो जाता है। ओके, और जो ये लीव्स होती है वो लीव्स का क्या करते हैं फिर आगे? फिर उसका खाद बनता है, ऑर्गेनिक खाद बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका खाद भी बना सकते हैं, मतलब कुछ फेंकना नहीं है हमें? इसका फेंकना कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है। तो ये हमारा तो इस हिसाब से 12 से 13 लीटर ऑयल हमने जो बनाया है, राइट। अब वो मार्केट में कितने रुपए तक बिक सकता है या कैसे बिकता है उसका? 12,500 रुपए के लीटर पर लीटर। एसएच केलकर करके कंपनी है, ओके, वो हमारे पास से डायरेक्ट 12,500 से 1 लीटर को वो प्राइस में खरीद लेती है हमारे। ओके ओके ओके, तो 12,500 रुपये लीटर वो डायरेक्ट आपसे खरीद लेते हैं, राइट। तो अच्छा, तो ये 1 एकड़ में हमारा कितना आउटपुट आ गया जैसे अगर करें तो? समझो 12 टन आ गया, हाँ। तो 12 लीटर ऑयल निकल कर आया, बराबर। उसके हिसाब से लगभग 12,000 पकड़ लिया, हाँ। तो 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.5 लाख रुपए आपको 3 महीने में आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो ये डिस्टिलरीज जो है ये हमें खुद सेटअप करनी पड़ती है या हमें कुछ भाड़े वाड़े से मिल जाती है, मतलब ऐसे? अभी तो हमारा खुद का ही सेटअप है। हाँ, मतलब अगर अगर आसपास के कोई किसान लगाता है और वो लीव्स आपके पास लेके आए तो आप उसको ऑयल सेपरेट करके दे सकते हो, राइट।
तो इनिशियली आपको डिस्टिलरी खुद की लगाने की जरूरत नहीं है, जो जो भी है आप, क्योंकि तो एक बार डिस्टिल हो गया तो बाकी तो वो वैसे खाली ही पड़ा है, तो आप उसको रेंटिंग पे भी दे सकते हो, राइट? ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप उसको वापस वहाँ पे, तो ये अच्छा कैश जनरेट करता है, मतलब 1.5 लाख रुपये अगर आपको 3 महीने में मिले, साल में 3 हार्वेस्ट हो तो 4.5 लाख रुपये तक आप आराम से निकाल सकते हो, और काम कुछ नहीं है देखा जाए तो। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये ग्रो कैसे होता है और डिस्टिल कैसे होता है। आगे जो ये ऑयल है, अलग अलग ब्लेंड ऑयल्स के साथ ब्लेंड किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, और जो वो अपने अपने कुकिंग के स्टाइल के ऊपर है, कौन कैसा उसको मिक्स करता है, कौन कैसा ब्लेंड करता है, और जितने भी डिओड्रेंट या फिर जो परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो अल्कोहल बेस्ड रहता है, राइट? तो उसको अल्कोहल मिक्स करके ब्लेंड करके वो आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक? तो ये है प्रोसेस अल्कोहल से परफ्यूम बनाने की। तो इस तरह से उसमें सिर्फ अल्कोहल और फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड किया जाता है। तो बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको अगर जानना है कि गुलाल का कैसे तैयार होता है या गुलाल कैसे ग्रो होता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो, कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, एन्जॉय द वीडियो।